ये अमरपुरा इमटोरी बुलंदशहर रोड हापुड़ के पास एक छोटा सा गांव है जहां पे एक प्राथमिक विद्यालय स्कूल है। यहां की ये टीचर हैं और ये ऑफिस है प्रिंसिपल का ऑफिस, जो अभी तक लोग हैं सारे टीचर आए हुए हैं और टीचिंग चल रही है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। मैम बताइए क्या स्थिति है, आप अपनी स्थिति बताइए। इनका फोटो लेके ना, इनका फोटो लेके ताले लगा दिए और ये कहा नौकरी नहीं करने दूंगा। प्रधानाध्यापक महेंद्र जी ने ये कहा तुझे यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगा, तुझे यहाँ साइन नहीं करने दूंगा, मैं देखूंगा साली तू कैसे यहाँ नौकरी करेगी तेरे और तेरे खानदान को जेल। और जो अभद्र शब्द कहे उसका प्रयोग, जाति सूचक शब्द बोले, ये कहा चमारी तुझे मैं बताऊंगा, चमारों के बच्चों के लिए लड़ती है, चमट्टी तुझे मैं बताऊंगा कैसे होती है तेरी। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें सारा स्टाफ शामिल है, सारे स्टाफ के फर्जी साइन होते हैं, उनको जल्दी भेज दिया जाता है, चाय समोसे की पार्टी चलती है और कोई बच्चों को नहीं पढ़ाता, कोई टाइम टेबल नहीं है, सब अपना ऐसे बच्चों को यूँ छोड़ देते हैं, पहली दूसरी क्लास के बच्चों को, चौथी पांचवी के बच्चे डंडा लेके पढ़ाते हैं और सारे टीचर बैठ के चाय समोसे मांगते हैं, समोसे वाले भी ये बताते हैं कि कितने समोसे आते हैं। मास्टरों को मैडमों के नाम बोला, प्रधानाध्यापक मनिंदर प्रताप सिंह, श्रीमती लक्ष्मी प्रजापति, श्रीमती निशा मीलवाड़ा और श्रीमती नैयर जमाल। और जब मैं अकेली विरोध करती हूँ तो मुझसे एक आ जाता है तू अकेली है, तू हमारा कुछ नहीं कर सकती, हम चारों साथ हैं, जो हम चाहेंगे वो होगा स्कूल में, तू कौन होती है पूछने वाली तेरा क्या मतलब। प्रधानाध्यापक ने मेरे से ये कहा कि मैं यहाँ का हेड हूँ, मैं जो चाहे वो करूंगा, तेरा मतलब क्या पूछने का, तेरा विरोध करने का मतलब क्या, क्यों कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, स्कूल से निकल जा साली, मैं देखूंगा तुझे कैसे नौकरी होती है। मैंने जब इस ऑफिस में से रजिस्टर उठाने जाए उपस्थिति वाले तो मेरा हाथ पकड़ के झटक दिया, मुझे सीने पे हाथ मार के मुझे धक्का मारा ऑफिस में, मैं टेबल पे जाके गिरी शनिवार वाले दिन जब मैं सांसद जी के यहाँ शिकायत करने जा रही थी। जब कल छुट्टी थी तो सामान क्यों निकला गया था उससे? कल छुट्टी थी और कल छुट्टी में भी आके सारा गांव वाले बता रहे हैं, मुझे नहीं पता ना मैं आई, गांव वाले बता रहे हैं कि सब सामान इधर उधर कर दिया है, सब रजिस्टर ड्रेस जो पिछले साल की थी, जूते मोजे बैग वस्तुओं के जो इन्होंने बांटे नहीं और बटे हुए दिखा रखे हैं, जो भी गड़बड़ी थी मतलब सब सब गायब कर दी और अभी तक ऑफिस का ताला नहीं। इसमें गांव वालों ने देखा था? हाँ गांव वालों ने देखा था, गांव वाले बताएंगे। देखा था भैया आपने जब ये ऑफिस खोल कर उन्होंने अल्टापल्टी करी थी? देखा था। इसमें पूरा गांव सहयोगी है जो विटनेस के तौर पर है लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर गांव का कोई भी सहयोगी साथ देता है तो ये टीचर्स लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और देखिए ये क्लास चल रही है अभी लेकिन ऑफिस बंद है और मैडम नहीं है क्लास और टीचर कोई भी नहीं है यहाँ पर, बच्चे बैठे हैं। देखिएगा टीचर कोई भी नहीं है लेकिन क्लास चल रही है, ऑफिस बंद है, ऑफिस खोलने के लिए कहा जा रहा है तो ये मना कर रहे हैं। देखिए ये प्रिंसिपल सर है हमारे, इन्होंने लोक लगाकर चाबी अपने पास रख ली है, मना कर दिया इन्होंने कि चाबी नहीं है हमारे पास। देखिएगा अब इनके साथ क्या कार्रवाई की जाए ये आप लोग फैसला करेंगे। सफाई में भी इनके सामने इनके साथ विरोध किया जाता है, सफाई करने के लिए भी दो कमरों में सफाई होती है तो तीसरा कमरा होता है उसमें सफाई नहीं की जाती, बच्चे ही सफाई करते हैं यहाँ पे, ना कोई और अदर सफाई नहीं करते हैं। देखिएगा ये स्कूल का तीसरा कमरा है, देखिए यहाँ पे भी कोई टीचर नहीं है, गंदगी कितनी फैली हुई है लेकिन कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। देखिएगा ये क्लास थ्री है, देखिए गंदगी, देखिए स्कूल में देखिए गंदगी है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कहते हैं तो ये कहते हैं कि हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा गवर्नमेंट से जो हम सफाई कराएं यहाँ से। देखिएगा लगभग दो महीने से सफाई नहीं हुई है और कहते हैं तो ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस बात के लिए। देखिएगा देखिएगा आपको मैं प्रिंसिपल ऑफिस के सामने का ही कमरा दिखाता हूँ और देखिएगा कितनी गंदगी है यहाँ पर। देखिए देखिएगा कितनी गंदगी है, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, देखिए कितनी गंदगी है लेकिन सफाई के लिए कोई नहीं है। देखो सफाई कुछ नहीं है, बना दिया बस, बना दिया मैंने। देखिए सब विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं पूरे स्टाफ का लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। धन्यवाद।